बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स में एंट्री करते ही घर में धमाल मचाना शुरू हो गया है। रश्मि देसाई के शो से बाहर होने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला को रश्मि देसाई के दोस्त में अपना नया टारगेट मिल गया है और वो है वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अरहान खान। वहीं अरहान भी सिद्धार्थ को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड में आप सिद्धार्थ शुक्ला और अरहान खान को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखेंगे। इन दोनों की लड़ाई का मुद्दा होगा प्याज। जी हाँ, दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला को किचन में सब्जियाँ कट करने का काम मिला है। सिद्धार्थ सुबह से ब्रेकफास्ट के लिए सब्जियाँ कट करेंगे, लेकिन इसी बीच अरहान खान सिद्धार्थ शुक्ला से कहते हैं कि वो लंच के लिए भी प्याज कट कर दे। सिद्धार्थ को अरहान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसके बाद सिद्धार्थ अपने दोस्तों से अरहान के बिहेवियर के बारे में गुस्से में बताते हैं। इसके बाद शो में नॉमिनेशन टास्क देखने को मिलेगा। अरहान खान सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला को ही नॉमिनेट करेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कारण देते हुए अरहान कहेंगे कि वो सब ग्रुप्स के हेडमास्टर बने हुए हैं। अरहान सिद्धार्थ को चैलेंज भी करेंगे कि वो उनसे अकेले लड़ें। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के शो में आने से ये साफ हो गया है कि गेम में डायनामिक्स अब पूरी तरह से बदल गए हैं। नए कंटेस्टेंट्स के आने से शो में एक नया मोड़ ले चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसके साथ कनेक्शन बनाएगा।